Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all are fine. I welcome you all to the Orchid Education System's online classes. Today, the day is Wednesday and the date is 6th of January 2021. Students, our subject is Maths and I am your class teacher, Ms. Anza Abbas, with the lecture number 11th of Maths. टुडे आवर टॉपिक इज़ फॉरवर्ड काउंटिंग. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरवर्ड काउंटिंग. सो प्लीज़ ओपन योर मैथ्स बुक, प्रैक्टिस बुक पार्ट, पेज नंबर 15, यानी कि जो आपकी मैथ्स की बुक में प्रैक्टिस बुक का पार्ट दिया गया है आपने उसका पेज नंबर 15 निकालना है. Here the question is forward counting 0 to 25. यानी कि आपने यहाँ पर 0 से लेकर 25 तक forward counting लिखनी है. Forward counting में होता क्या है, आपने counting आगे की तरफ लेके जानी है, यानी कि आगे बढ़ना है. जैसे अगर आपके पास एक नंबर गिवन है उसके बाद क्या आता है, आपने वो लिखना है. फिर जब आपने वो नंबर लिख लिया तो उसके बाद वाला नंबर कौन सा है वो आपने लिखना है. आपने सीक्वेंस के साथ बारी बारी काउंट करके हर नंबर लिखना है. ठीक है, काउंटिंग आपको आती है, 25 तक हमने पढ़ ली है. आप पेज नंबर 15 पर देखें, आपके पास जो ब्लॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर फर्स्ट डिजिट है 0, यानी कि पहला नंबर जो दिया गया है वो है 0. तो आपने 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और काउंट करना है कि इसके बाद क्या आएगा. 0 है तो 0 के बाद कौन सा नंबर आता है, 0 के बाद 1 आता है, फिर 1 के बाद कौन सा आता है, 2, देन 3, 4, 5. इसी तरह हमने काउंट भी करना है और साथ साथ हमने लिखना है. ठीक है, सो आज हम पेज नंबर 15 एंड 16 करेंगे. दोनों पर फॉरवर्ड काउंटिंग हमने करनी है 0 टू 25, 0 से लेकर 25 तक. ओके, हम स्टार्ट करते हैं. आप सब बच्चों ने काउंट साथ साथ करना है और साथ साथ आपने लिखना है. ठीक है, अब 0 है तो 0 के बाद कौन सा नंबर आता है, 0 के बाद 1 आता है. तो इसके नीचे वाले ब्लॉक में आपने क्या लिख लेना है, 1. ओके, साथ साथ काउंट करें और लिखें. अब 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2. सो आपने नेक्स्ट ब्लॉक में क्या लिखना है, 2. 2 के बाद 3, सो आपने नेक्स्ट ब्लॉक में 3 लिखा. 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आता है, 5. सो यू हैव टू राइट 5. 5 के बाद क्या आता है, 6, तो आपने 6 लिखा. 6 के बाद 7, देन 8, 8 के बाद क्या आता है, 9. आपने साथ साथ काउंट भी करना है और लिखना भी है. ठीक है, 9 के बाद क्या आता है, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 तक हो गया. नेक्स्ट देखें, आपके पास 1, 0, 10 लिखा हुआ है, तो 10 के बाद क्या आता है वो हमने लिखना है, 1, 1, 11. ओके, 1, 1, 11 आ गया 10 के बाद. इसके बाद क्या आता है 11 के, 1, 2, 12. 1, 2, 12. ओके, अब 12 के बाद क्या आता है, 13. तो 1, 3, 13. 13 के बाद 14. सो 1, 4, 14. नेक्स्ट इज 15. 1 एंड 5 क्या बन गया, 15. 1, 5, 15. देन 1, 6, 16. 16 के बाद 17. 1, 7 क्या बन गया, 17. 17 के बाद क्या आता है, 18. 1, 8, 18. 1, 9, 19. ओके, अब यहाँ पे देखिए 20, 20 लिखा हुआ है. इसके बाद क्या आता है, 21. सो यू हैव टू राइट 21 क्या बन गया, 21. ओके, 21 के बाद क्या आता है, 22. सो 22 क्या बन गया, 22. एंड देन 23 क्या बन गया, 23. देन 24 क्या बन गया, 24.
24 के बाद क्या है 25, सो 25 क्या बन गया 25, ओके. सो काउंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. 21, 22, 23, 24, and 25. ओके. सो आपने जब काउंटिंग लिखनी है तो आपने साथ साथ रीड भी करना है. ओके. काउंट करके आपने ये लिखना है. ठीक है. आपने इसी तरह नीट एंड क्लीन काम करना है. यू हैव टू डू पेज नंबर 15 एंड 16 ऑफ प्रैक्टिस बुक ऑफ मैथ्स. ठीक है. 0 से 25 तक काउंटिंग है. आपका काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए और आपने डेट एंड डे ज़रूर मेंशन करनी है. स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आपका काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए. जिस तरह आपको लिखवाया जा रहा है आपने एज इट इज़ लिखना है. ठीक है. आपने कोई दूसरी फॉर्मेशन नहीं इस्तेमाल करनी और डेट एंड डे आपकी मेंशन हो. ठीक है. आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.